नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता बहुगुणा संगीत गायन की अध्यापिका चंडीगढ़ से हूँ और विगत लगभग 42 वर्षों से संगीत के अध्यापन में संलग्न हूँ। निरंतर संगीत सिखाते सिखाते खुद भी सीख रही हूँ और संगीत जैसे विषय की सबसे खूबसूरत और सबसे अहम बात मुझे यही लगती है कि हम निरंतर सीखते रहते हैं। जितना सीखते हैं उतनी ही उसकी गहराई को समझने के लिए जिज्ञासु होते जाते हैं और ये जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। अपनी संगीत यात्रा के दौरान मुझे देश विदेश में भ्रमण करने का मौका भी मिला, जिसमें पंजाब श्रॉपशायर कल्चरल एक्सचेंज के दौरान मैं म्यूज़िक टीम की जो लीडर थी उसके रूप में गई थी। ग्लासगो में हमारी प्रस्तुति के लिए, हमारी कंट्रीब्यूशन के लिए हमें स्पेशल एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बहुत से संगीत से संबंध पेपर्स भी लिखे, एक पुस्तक लिखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ जिसका शीर्षक है भारतीय संगीत में प्रबंध की अवधारणा, जिसमें भारतीय संगीत की विविधताओं के विषय में बहुत विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया गया है। इस दौरान बहुत बार बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मेंबर भी रही, जिसमें विश्वविद्यालय के जो सिलेबस है उनको बनाने का मौका मिलता रहा। पंजाब संगीत नाटक एकेडमी की मैं मेंबर भी रही हूँ। ये सब संगीत यात्रा के साथ निरंतर चलता रहा और अभी भी चल रहा है। जैसा आपको विदित है कि संगीत की इस यात्रा में कुछ जुड़ने जुड़ाने के प्रयत्न के फलस्वरूप सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय ग्लोबल फेयर ऑनलाइन समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और उसका हिस्सा बनकर मैं सचमुच बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इसमें विश्व विख्यात कलाकार मिलकर अपनी कला का विश्व पटल पर अनुभव साझा करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ बातें होंगी और कुछ नया निकलेगा। इस समर कैंप में सभी आयु वर्ग के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप इन गतिविधियों का हिस्सा बनकर उनमें भाग लेकर विकसित हों, खुश हों, सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसमें प्रोत्साहन के फलस्वरूप हम ई प्रमाण पत्र भी आपको देंगे, अतः आपसे अपेक्षित है कि ऐसा सुअवसर जब आपको विभिन्न ललित कलाओं से जुड़ने का, उन्हें कुछ सीखने का, उनके बारे में कुछ जानने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है तो आप ये सुअवसर अपने हाथ से न गंवाएं। आप निरंतर प्रयत्नशील रहें ऐसा साधुवाद देते हुए मैं यही कामना करती हूँ कि आप सदैव प्रसन्न रहें और विकसित होते रहें। धन्यवाद।